जीसस, मैं आपको दिख रहा हूं हाँ? यहां कुछ ऐसा है जो मुझसे बहुत ऊपर है, याद रखिए। आज आज आप उन्हें देखने जो जो नहीं दिखते, जो जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, जो उन्होंने बनाई जो नहीं दिखते, और जो दिखते हैं वो कुछ नहीं करेंगे, और जो नहीं दिखते वो सब कुछ करेंगे। लोग मुझे कहते हैं आप मिलते नहीं, आप दिखते नहीं, मेरे मिलने से क्या होगा? समझ आ रहा है? और यदि मैं नहीं दिखता हूं मैं, तो सातवें दिन कुछ बड़ा करके जाऊंगा। हालेलुया। जो दिखते नहीं वो अनदिखी चीजों को ढूंढ रहे हैं। पीछे आवाज आ रही है? हालेलुया। नहीं आगे वाले नहीं, पीछे वाले। हालेलुया। हालेलुया। पीछे आवाज आ रही है? इसको आगे आगे सेट करो। हालेलुया। यीशु मसीह जब प्रचार करते थे हम तो कितने ब्लेस्ड हैं, हम कहते हैं मेरी साउंड नहीं आई, चलो अगले हफ्ते आएगी, बन गई है, अगले हफ्ते लग जाएगी, पुराना सेकंड हैंड साउंड नहीं है, ब्लेस चर्च है। छोटे तार को नहीं कटेगा बच्चे, आज यीशु मसीह के साथ तार जोड़ रहे हैं, विश्वास रखते। हालेलुया। अरे आवाज आ रही पीछे? हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज प्रार्थना करें, एटलीस्ट कुछ सेकंड हम परमेश्वर को देंगे। थैंक यू जीसस। आज जो भी हम सुने प्रभु तेरी महिमा के लिए, ए खुदा तेरी बड़ाई हो वचन के द्वारा, तेरी महिमा हो प्रभु। मैं सिर्फ खड़ा हूँ बोलने में, ले आप है परमेश्वर, मुंह मेरा लेकिन शब्द आपके हो प्रभु, हाथ मेरा छूना आपका हो। मैं खड़ा हूँ प्रभु लेकिन प्रेजेंस आपकी हो प्रभु, कि आपके नाम को और महिमा मिले, जैसे पिता के द्वारा पुत्र को मिले, आज इस अल्फा के द्वारा यीशु मसीह को महिमा मिले, करोड़ गुना काट के जाए आज सब। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ओला महाज कुमार कासी को रावला कुछ नेम जीसस। हालेलुया। हमें वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सभी निकाले, यूहन्ना चार, याद रखें, यहां बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा विश्वास करने सब कुछ होगा। जब मैं कहता हूं अपनी आंखें बंद करो तो अपनी आंखें बंद करो, जब मैं कहता हूं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, जब अपने हाथ का हाथ पाओ तो मुझे देखने आओगे, मुझे मिलने आओगे, कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं उसे सोच के देखो, उसे मान के देखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग होती है यीशु मसीह के नाम से। और मैं तुम्हें बाइबल से बाहर कोई बात नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा जा 10 लाख लेकर आ बीज, कुछ नहीं, जा प्रे करनी है पैसे लेकर आ, कुछ नहीं, पर परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए कहूंगा जो इस संसार की नहीं है, और इस संसार के लिए ताकि तुम दूसरे उस स्वर्ग में प्रवेश कर सको जहां हमारा पिता यीशु मसीह, हमारा बाप यहोवा रहता है। हालेलुया। सब इस वचन को बड़े ध्यान से ठीक है सुनना है। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है, नीमो शाखाला बराकोसिया मांडा अप्राकुलिया मासिंदा बनाता है, उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुकार नामक सामरिया के एक नगर में आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अंत यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। हालेलुया। यीशु मसीह थके हालात में पूरे तरह से एक बंदे को फ्री करने के वक्त, एक सामरी जात में भी टूटी थी, आए लोग थे जात 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 जात, यीशु मसीह के आने के बाद बदल गई है। लोगों का मानना ये ऊंची जात का मैं, छोटी जात का मैं, बड़ी जात का, परमेश्वर कहता मैं जगत के तुच्छ, जिनकी कोई इज्जत ही नहीं थी उनको चुन, बेकार नकम्मे अनपढ़ गवार ऐसे लोग मैंने चुन लिया अपनी महिमा करने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और इस स्त्री का नाम देखो, सामरी स्त्री, यहूदी सामरी स्त्री, इसी पानी बीती है, समझ आ रहे? तो फिर यहूदी लोग उसको छूते भी नहीं, समझ आ रहा है? अगर उन्होंने कपड़े उतारे हो जाए उनकी, वो चप्पल वहां पड़ी होगी, वो उसको छुएंगे भी नहीं।
ऐसे थे यहूदी लोग। यीशु मसीह आप यहूदी था, दुनिया का सबसे ऊंची जो आपको बड़े अपने आप को कुछ समझने वाले लोग हैं वो यहूदी लोग हैं। समझा? लोग कहते हैं जात, मैं एक बात आपको कह देता हूँ, जात सिर्फ पापियों के लिए। समझ रहे? लोगों के लिए कोई नहीं है, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी वो नहीं है। क्या बोलते हैं? जात नहीं। अगर लोग कहते हैं कि मेरी जात ऊंची है तो तेरी जात के अनुसार तेरा काम होना चाहिए और तेरे काम के अनुसार तेरी जात होनी चाहिए। कितने मेरे पास समझ रही है? हालेलुया। यहाँ सामरी सबसे छोटी जात थी, यीशु मसीह से बात करके। हालेलुया। बड़े बड़े जात वाले भी आज यीशु मसीह से कितनी बात कर रहे हैं आप जाके पूछ लो एक बार, कितनों की बात हो रही है सुन के देखो एक बार। हालेलुया। 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 आपको पता है इस चर्च में क्यों इतने काम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ के लोग विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया। और हमारी कोई जात नहीं है क्योंकि जात पापियों की है। बीड़ी पीने वाले की बीड़ी पीने की जात, गाली देने वाले की गाली की जात, व्यभिचार करने वाले की व्यभिचारी की जात, झूठ बोलने वाले की जात। मैंने पहले भी कहा था कि बाइबल आपको इतनी बुद्धि देगी आपको समझ नहीं आएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा बोल रहा है। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? पर तुम मेरा परमेश्वर का मेरी बात में देगा, दैट इज द होली स्पिरिट। और जात में पहले कह देता हूँ, मेरे घर में एक आदमी है, मैंने उसे पूछा भाई आपकी जात क्या? वो कहता है मैं राजपूत हूँ। मैं कहता हूँ दूध दे, दूध तो गुजर देते, तू अब राजपूत नहीं रहा क्योंकि अब तू गुजर है। मुझसे नहीं बात करना, बिकॉज़ एक सुनहरा आदमी वो दिहाड़ी लगा रहा, जात का सुनहरा दिहाड़ी लगा रहा। अब वो सुनहरा कहाँ ला? वो तो लेबर होगी उसकी जात। मुझे नहीं समझाना, पहले खुद को समझा। यार मेरी जात बहुत ऊंची है। कुछ लोग आके मुझे हम ये जात के हैं, काम क्या कर रहे हैं? हाँ जी ये काम कर रहा। अबे तेरा काम तो ये है, तू ये काम कैसे कर सकता है? मैं एक लड़के को पढ़ाता था, मैंने उसे पूछा, वो कहता था हम पंडित होते हैं। तो मैं कहा ड्राइवर क्यों कर रहा है? तू ड्राइवर क्यों कर रहा? समझ? ये गुलाम लोगों का काम है गाड़ी चलाना, तू खुद को गुलाम क्यों नहीं कहता? तुम किस जात के चक्कर में पड़े हो? वो सिर्फ नाम की है। तुम्हारे काम से तो मुझे लगता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। इसलिए अपने आप को ऊंचा मत करो, परमेश्वर राज्य में ऊंचा हो। और परमेश्वर राज्य क्या है? हालेलुया। अपने आप को इस पृथ्वी पे जो ऊंचा करता है वो नीचा किया जाएगा, और जो नीचा होता है खुद को नहीं मजा नहीं आएगा। यदि तुम नीचा हो भी गए तो क्या फायदा? यदि मेडिकली नीचा हो गए तो स्वर्ग में ऊंचा किया जाओगे। थप्पड़ तो आने भी बहुत पड़े हैं घर में, जैसे सिस्टर कह रही मार दो वो तेरी खाई, पर एक बार मसीह के लिए खाके तो देखो। गालियां तो वो तेरी खाई मैंने, पर एक बार मसीह के लिए खाके देखो। मजाक तो लोगों ने मेरा पहले भी उड़ाया था, मेरा मजाक जितना उड़ाया जाता था मुझे समझ नहीं था। और एक दिन मैंने खुदा को कहा गॉड गिव मी पावर, पर क्या पावर चाहिए तुझे? मैंने कहा इतना कि मैं जिसको छू मुझे पता लगे कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है। कहता जा, हो गया। मैंने जिसको हाथ मिला और छू रहा प्रभु का आत्मा बातें बता रहा, ये तेरे बारे में ये सोचता है। कहता पर अगर हिम्मत रखना बर्दाश्त करने की, मैं प्रभु मैं वैसे मर गया हूं तेरे लिए, अब तो जिंदगी की आशा है उधर, इधर आंखें बंद उधर खोलो। हालेलुया। मैं प्रभु अब तो मैं मर चुका क्योंकि पहले मर गया क्योंकि जब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। समझदार है? तो जब लोगों ने मसीह उजाड़ा है मेरा क्लियरी और बढ़ गई है ना। कपड़े तो लोग वैसे भी उतारते थे मजाक उड़ाते थे, पर क्या फायदा? उसमें कौन सी बढ़ोतरी होगी मेरे जीवन में? पर जब मसीह के लिए जगह पड़ेगा मुझे। हालेलुया। मेरा एक सवाल था, लोग पूछते यीशु मसीह का राज्य, यीशु मसीह का राज्य, यीशु मसीह भी कलाम करते थे मेरा राज्य आ रहा है, मेरा राज्य आ रहा है। मैं सोचता था प्रभु यीशु मसीह वो उस स्वर्ग राज्य की बात कर। इन बिटवीन कोई नहीं चलेगा, अपनी जगह बैठ जाए। आई डोंट वॉन्ट एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं चाहिए मुझे। नहीं आप खड़े रहे कैमरा मैन, यू आर योर ड्यूटी, तेरी ड्यूटी है, तुम ही लेगा। अननेसेसरी विदाउट एनी मूवमेंट, बिकॉज खुदाने से प्रयास की ड्यूटी, ये घूमेगा ये यहाँ वहां सारे घूमेगा, इज ड्यूटी। बच्चे संभाल के रखें अपने, नहीं संभलते आप प्लीज पीछे रखें बच्चों को। आई डोंट वॉन्ट एनी मूवमेंट, आप नहीं समझते। बिकॉज एक बार अलीशा जा रहा था गांव से, कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बच्चों ने मजाक उड़ाया, उसे उसे गुस्सा आ गया, उसने शराब दिए, सारे मर गए। समझ आ रहा है? आई एम ए प्रॉफिट, गलती से भी कुछ निकलेगी। सब जाकर
उनको सर्दी लग रही थी बहुत ज्यादा, मेरी वाइफ का स्वेटर बहुत ठंडा, कल से कुछ ली नहीं, मैं कल से धूप ही नहीं ली। हालेलुया। इसलिए डरता हूँ कि जब हम परमेश्वर की संगति में ज्यादा रहते हैं, हम नहीं चाहते हमारे मुंह से कुछ बुरा निकले। कहता जिसको तू श्राप देगा श्राप, जिसको तू आशीष देगा आशीष। लोगों का पता क्या मानना, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, लोगों का एक और बात मानना, लोगों की गलत फहमी है कि प्रॉफिट लोग कुछ नहीं कहेंगे पूरा तो रहने दे बात। सफीरा और हन्ना पतरस के टाइम है ना, यीशु मसीह की प्रीचिंग के बाद उसने कहा था जा तेरे इसी वक्त जान निकल जाए, जिसको थर्ड डायमेंशन कहते हैं, समझ आ रहे उसी वक्त मर गई थी। बस यह कि यीशु मसीह ने कहा हलीम रहे, एकदम से आग मत उतारो, जरूरत पड़े तो समझ आ रहा है, जरूरत पड़े तो उतार भी दो, पर मौत के घाट नहीं, इसलिए कि वो मरे यीशु मसीह के लिए और उठे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया हालेलुया। अपनी बात को पढ़ता मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है क्योंकि मैं जो बोलता हूँ पूरा होता बिल्कुल पूरा होता, क्योंकि मैंने संगति छोड़ दी लोगों की, टाइम देना छोड़ दिया लोगों को, समझ आ रहा है। मैं ज्यादातर टाइम तुम्हें दिखूंगा नहीं, इसलिए क्योंकि मैं उन चीजों की खोज में जो नहीं दिखती, और वो है परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। तुम कहां से, वही परमेश्वर का राज्य है। और यीशु मसीह एक बात कह रहे थे कि मेरा राज्य आ चुका है, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। मैं सोचता था कि ये परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे, जो परमेश्वर का राज्य जो है वो आ चुका है, मतलब परमेश्वर जो लोग मरेंगे उनके लिए स्वर्ग राज्य और नरक राज्य, नहीं, परमेश्वर किसी और चीज की बात कर रहे थे। हर चीज सीक्रेट है, और मैं आपको एक बात कह देता हूँ, जितने भी लोग खुदा के दास प्रचार कर रहे हैं, पहले परमेश्वर से पूछ ले प्रभु उसका आत्मिक रीजन क्या, आत्मिक क्या है इसका मतलब, हमें आत्मा में लोगों को बचा, इसका आत्मिक क्या है, जैसा ये लिखा वैसा नहीं है। वहां पे कहा जाता है तुम में से जल की नदियां बह उठेंगी, तो पानी निकलेगा बॉडी से, तो जाइए पानी निकलेगा क्या, नहीं, आत्मा की बातें थी, आत्मा की बातें, जिसके कान है वो सुन ले, जिसकी आंख है वो देख ले। हालेलुया। और आज तो सारे दीवाने हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य क्या है, जो परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा था कि मेरा राज्य आ चुका है, वो राज्य क्या था, स्वर्ग राज्य, जो इस पृथ्वी में ऊंचा है ना, इस पृथ्वी में जब हम ब्लेसिंग पाते हैं वो रिजल्ट है। खुदा ने मुझे आशीष दी, कौन सी आशीष दी, मैं कहता हूँ आशीष वो है जब स्वर्ग राज्य में हमारा नाम लिखा जाएगा, इससे बड़ी आशीष कोई नहीं है, ये रिजल्ट है। तो यीशु में चले हम पास हो गए, हम परीक्षा से पास हुए, खुदा ने हमें ब्लेस किया, ये रिजल्ट है। पर इससे ऊपर आज पाके जाना कुछ, और वही है जो तुम्हें स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते, चाहे पहली बार क्यों नहीं है, अगर वो चाहते हैं स्वर्ग राज्य जाने हाथ खड़ा करो, प्रभु बदलने वाला तेरे जीवन को। हालेलुया। और बिना इसके स्वर्ग नहीं जाया जाएगा, मेरी बात याद रखना आप। परमेश्वर यीशु मसीह बार बार कहा था मेरा राज्य आ चुका है, परमेश्वर का राज्य आ चुका है, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला ब्रदर, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाले, कह दिया तो कह दिया, वो जो सिख ब्रदर है, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाले, आज तेरा आना नहीं रुकने वाला। हालेलुया। और यहाँ पर इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, मसीह को चल लिया, क्योंकि यीशु शरीर में थक चुके थे, पर फिर भी यीशु मसीह ने अपनी प्यास को महत्व नहीं दिया, भूल के कहा यीशु मसीह ने कहा पानी पिया, नहीं मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले जो तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे, वो सामरी स्त्री ने उसे कहा तू यहूदी होकर मुझे सामरी से पानी क्यों मांगती है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया यदि तू उस वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा ए प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो वह याकूब से बड़ा है जिसे माशी को टोलामा पास
कहां से आया, क्या तू हमारे माही को चुना। स्त्री ने उसे कहा कि ए प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जल तेरे पास कहां से आया। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया और आप अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरना जो जल मैं तुझे दूंगा वह उसमें सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, ए प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं फिर प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आओ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उससे कहा, मैं बिना पति के हूँ। यीशु ने उससे कहा कि हाँ तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है, ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा कि ए प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है, हमारे बाप दादाओं ने इस पहाड़ पर आराधना की और तू कहता है कि ये जगह आराधना करनी चाहिए, वह यरूशलेम है। यीशु ने उससे कहा, ए नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और माशी खुल मसीहा मांडो खोला। हालेलुया। आप एक चीज देखो, थोड़ी देर पहले वो स्त्री यीशु मसीह से जब बातें कर रही थी, तो जब यीशु मसीह ने पानी मांगा तो यीशु मसीह की बातें कर रहा था, आत्मिक जल की बात कर रहे थे और वो आत्मिक जल क्या था, पवित्र आत्मा। वो पानी की तरह तुम्हारे शुरू में लिखा गया हुआ, शुरू में समझ आ रहा, शुरू में कि जब वो तुम्हें वो आत्मा आएगा तुम्हें जल की नदियां बह उठेंगी, ये लिखा हुआ वचन में। और यीशु मसीह यहां पर जब उसने यीशु मसीह ने उसे कहा कि मेरे पास जो जल है वो इस जल से काफी ऊपर है, जो इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा होगा, मरने तक भी प्यासा होगा और अनंत अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा और तुझ भी एक सोता बन जाएगा। समझ आ रहा है। और यदि कहते हैं ना पानी सूख जाते, बारिश ना हो तो सूख जाएंगे, तो तुम्हें बात समझ आ रही है, समझ आ रही है, बारिश ना हो तो सोखते सूख जाते हैं, अगर परमेश्वर के साथ रोज बात ना होगी तो वो सोते सूखने लगेंगे। आपको पवित्र आत्मा मिल जाते हैं, आप पवित्र आत्मा लेके बैठ जाते और आप प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, सोते सूखने लग पड़ते, फिर अगर परमेश्वर से बात नहीं हो रही हम सूखे पड़े, वी आर ड्राई। और यीशु मसीह से जब हमारी बात होगी, समझ आ रहे, एक स्त्री सामरी स्त्री यीशु मसीह से बात कर रही थी, वो तब पानी की बात कर रही थी, कौन से पानी की बात कर रही थी, कुएं के पानी की बात कर रही थी और वो बर्तनों की बात कर रही थी। हमारा भी सेम हाल है, पहले हम यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो हम अपनी बीमारियों की बात करते हैं, हम अपने घरों की टेंशन की बात करते हैं, हम और चिंताओं की टेंशन की बात करते हैं, पर जब यीशु मसीह एक बार आती थी फिर हम अपने परमेश्वर के आत्मिक बात करना शुरू कर देते। हेलो, मेरी बात समझ आ रही नहीं। यीशु मसीह जब स्त्री आई उसने कहा मेरे पास पानी, तेरे पास पानी भरने के लिए बर्तन ही नहीं है और कुआं गहरा है, वो कुएं की और बर्तन की बातें कर रही थी, पर जैसे ही यीशु मसीह ने उसे शब्द कहा वो कह रही प्रभु प्रार्थना कैसे करनी, क्या ये बात सही है। और वो प्रार्थना की बात यहाँ कहाँ हुई, जब तुम आत्मा में जुड़ जाओगे तुम आत्मिक भूख रखोगे, समझा, एक बार यीशु से बात आत्मिक भूख रखोगे और वो आत्मिक भूख तब होती है जब तुम पवित्र आत्मा पाते हो। और पवित्र आत्मा, पूछो पवित्र आत्मा को, पूछो एक पवित्र आत्मा को तेरा धर्म कौन सा, पवित्र आत्मा तुम्हें उस राज्य में प्रवेश करने के लिए मदद करता है, कोई धर्म नहीं कोई राज्य में, कोई धर्म तुम्हें मान ही लेते जा सकता। और ये पवित्र आत्मा इस जगह पहले से था पर हम नहीं जानते, पवित्र आत्मा आने के बाद तुम सुपर नेचुरल उड़ने नहीं लगोगे या तुम्हें कुछ नया फील नहीं होगा, ये सुपर आत्मा परमेश्वर आत्मा कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और वो मेरी बातें कौन सी है, मैं विचार ना कर, बीड़ी ना पी, नशा ना कर। लोग कहते हैं हमने नशे छट दिए, कैसे एक हफ्ते में कैसे नशे छट दिए, पवित्र आत्मा ने तुम्हें कहा यह गलत है, पवित्र आत्मा तुम्हें वो काम करता है जो पिता तुझ में और तुम पिता में हो। यीशु मसीह ने कहा था पिता मुझ में मैं पिता में हो, और जब पवित्र आत्मा तुम भी हो तुम कहते हो परमेश्वर कहा, उसने कहा परमेश्वर तुम में। यहाँ पर वो कह रहे पहाड़ पर आराधना करनी चाहिए, कहते पहाड़ पर आराधना नहीं करनी चाहिए, जहां तुम चाहते हो सच्ची आराधना जो सच्चाई और आत्मा से की जाती है। हालेलुया। आय कौन सी आराधना हो रही है, आपको सोचिए वर्षी पर आराधना नहीं, दिस इज नॉट, अगर गाने नहीं गाए थे कुछ नहीं होने वाला,
क्या प्रॉफिट परमेश्वर को लाएगा रखे? नहीं, तुम लाओगे। हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह क्या करता? ढोल ताशे बजाने की बात करता? नहीं। बड़े गाने गाने की बात करता? नहीं। सच्ची आराधना। हालेलुया। आज लोग एक बात कहते हैं, प्रॉफिट आ जाएगा तो सब आ जाएगा। यीशु मसीह तो मेरे आने से पहले यहां था, क्योंकि उसने कहा मैं हूं जो पवित्र आत्मा, वो यीशु मसीह ही है। और यीशु मसीह कह रहे हैं उसको कि सच्ची आराधना आत्मा और चक्र यही है परमेश्वर का राज्य, और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। अब आप कहेंगे पवित्र आत्मा यीशु मसीह, यीशु मसीह ने कहा था जब मैं जाऊंगा तो मेरे बाद तुम्हें वो सहायक मिलेगा, मतलब मैं ही वापिस आ रहा हूं। बट दिस टाइम आई एम नॉट कमिंग इन फ्लैश, आई एम कमिंग इन स्पिरिट। इस बार मैं शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में आ रहा हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा था संसार मुझे ग्रहण नहीं कर सकता, और यही है जो तुम्हें संसारिक चीजों से बाहर निकालते हैं। लोग कहते धर्म बदल दिया, आप बोले धार्मिकता बदल दिया, धर्म मेरे पल्ले नहीं पड़ते। मुझे ये भी लोग आप क्रिश्चियन है, मैं वो कहते हैं आप भाई यीशु मसीह के चेले, चेले गलती नहीं करते, हम सीखते हैं, गलती करते हैं फिर प्रभु के नाम से सीखते हैं। समझ आ रहे? चेले हम, चेले बड़े काम करते हैं। आपको पता है आप सब चेले, चेला खाली माइक में खड़े होकर प्रचार करेगा, ये गिफ्ट है। चेले तो सब, क्योंकि तुम अपने चेले हो, तुम अपने आप के चेले हो, तुम अपनी तैयारी करते हो। प्रभु क्या फायदा चर्चा के, मुझे बताओगे, सबको बताओगे, मैं आपको बताऊंगा, हाँ जी मैं खुदा के साथ सही चल रहा हूँ। लेकिन जब तक वो बाप सही ना कहे तब तक सही नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं आके तुम्हें बार बार अपना पुत्र भेजा, अपने प्रॉफिट भेजे, सब कुछ भेजा, तब भी तुमने नहीं माना, पर अब तुम पवित्र आत्मा को हासिल करो। पर यह सत्य का आत्मा संसार के लोग हासिल नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सत्य का आत्मा दूंगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, वो अनंत जीवन तुम्हें देगा, और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा बिल्कुल, और वो तुम्हें धार्मिकता में लेके जाता है। और इस धार्मिकता को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे चुकी थी, अपने खून से लोगों को फ्री किया। और समझ आ रहा है? यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जीवन की ज्योति हूं। कौन सी ज्योति? जो घर में बल्ब लगा, जो स्ट्रीट लाइट है, आत्मिक लाइट। और आत्मिक लाइट कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? एक एक एक, एक चीज मैं खुदा कैसे मिलेगी? पूरा घर अंधेरे में, पूरा घर अंधेरे में, और एक भी बंदा अपने घर में स्विच ऑन नहीं कर रहा तो लाइट कहां से होगी? जब स्विच नहीं ऑन करोगे लाइट कहां से आएगी घर में? समझ आ रहा है? सारा घर अंधेरे में, अगर एक भी बंदा बाइबल नहीं पढ़ेगा फिर क्या होगा? अंधेरे में। और जब तक तुम जल और आत्मा से निजन में पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, ये सच है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें जल और आत्मा से पैदा होना है, क्योंकि यो जो शरीर से जन्म है वो शारीरिक है, और जो आत्मा से जन्म है वो आत्मा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो परमेश्वर का राज्य हम में, किंगडम हम में। यीशु मसीह ने कहा था, कहते हैं हमें सही सच बताओ कि यीशु मसीह का राज्य क्या है? उसने कहा राज्य तुम में। यीशु मसीह सारी बातें साफ साफ, मैं यीशु मसीह से कई बार प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह मुझे एक चीज बताओ आप, क्या सारी बातें क्यों करते? चलो को सीधा सीधा क्यों नहीं कह दिया? मैंने सीधा सीधा कह दिया, उनको मेरी बात समझ ही नहीं आई। हालेलुया। और सीधी बातों को उल्टा ही लेते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और चाहते हैं हमें रोशनी मिले, स्विच नहीं ऑन करना है। पूरा घर एक जगह बैठा हुआ अंधेरे में, लॉबी में बैठा हुआ, और कोई भी आलस कर रहे हैं सर, आलस टूट के एक बार स्विच दबा देंगे लाइट में आ जाए सारे, नहीं। समझ आ रहा कितना? हालेलुया। और कहते मेरे घर में बड़ा अंधेरा है, मेरे घर में शैतान है, तू उठ लाइट ऑन कर, तेरा घर उजाले में आ जाएगा। क्योंकि जैसे लाइट ऑन ही अंधेरा गायब। और लाइट ये वो लाइट नहीं है जो तुम्हें शारीरिक चीजें बताए, मैं उस लाइट की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें आत्मिक चीजें बताए। हालेलुया। अरे एंजल दिख रहे बड़े बड़े, कहां उनके पंख? एक मुल्क में पर से क्या लेना देना? पंख का कोई लेना देना नहीं एंजल्स का, वो इनविजिबल है। अगर वो आपको दिख नहीं रहे, समझ आ रहे मेरी बात? एंजल्स आपको दिख रहे हैं, मुझे एंजल्स दिख, आप अपने माइंड को प्रोफेसी कहते हैं, अपने माइंड को ओपन विजन कहते हैं, रॉन्ग है। बहुत सारे लोग सच कह रहा हूं, बहुत सारे लोग, रात को मैं भी काम किया था, गॉड आई वांट टू सी द एंजल अगेन, मुझे दोबारा एंजल देखना। और मैं
कल 1 बजे से लेकर रात को सुबह 5 बजे तक प्रेयर में था, समझदार है। कल शनिवार 1 बजे, संडे सुबह 5 बजे तक मैं प्रेयर में था, बस थोड़ी देर ब्रेक ली जिसमें मैंने खाना खाया था, क्योंकि मेरा ड्रीम बड़ा था, मुझे नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? वन टू सी द एंजल, तुम्हारा ख्वाब बड़ा होता तो तुम उठते जागते हो, प्रार्थना करते और मांगते। आप आंखें बंद करो, अगर मैं आपको कहता ना आपको एंजल दिख, आप आंखें बंद करोगे आपको वो दिखेगा, एक परी, वो उसके वो तुम्हारे मन की विजन को छोड़ो, समझ आ रहे हैं। इसलिए कभी ना विजन दिखो, पवित्र आत्मा तुम्हें विजन दिखाएगा और वो विजन बिल्कुल सही होगा, वो सच्चाई और आत्मा से। प्रभु यीशु में कौन सी आत्मा? ये तुम्हारे अंदर ये नहीं, ये सिर्फ तुम्हें जिंदा रखने के लिए, सोल। पवित्र आत्मा अलग है, स्पिरिट अलग है, सोल अलग है, फ्लैश अलग है। ये हम जीते हैं, ये हमें कुछ समझ आ रहा है। आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप जो खाएंगे आपकी बॉडी उसी हिसाब से बनेगी, जैसा जैसा माल वैसे इस चीज बन जाएगी, समझ आ रहा है। आप रोज फास्ट फूड खाओ और बैठ जाओ, आपका पेट बढ़ जाएगा। और मैं दूसरा को पूछता हूँ, भाई आपकी बॉडी बड़ी अच्छी है, कैसी है? अब लोग हमें पूछते हैं, आप ब्लेस कैसे हुए? घुटनों पे। आपकी आत्मा स्ट्रांग कैसे? घुटनों पे। आप गुनाह से परे क्यों है? घुटनों से। पूछते आप गुनाह नहीं करते? नहीं, परीक्षा तो आती है। यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आए लोग कहते हम गुनाह में क्यों बार बार करते? क्योंकि तुम परीक्षा में, और परीक्षा तब आती है जब तुम प्रार्थना नहीं करते, और परीक्षा ना आएगी। और तुम्हें सारी बातें कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा तुम्हें धर्म से दूर करती है और धार्मिकता में जोड़ती है, और वो धार्मिकता संसार की नहीं, वो स्वर्ग की। हालेलुया। कि धर्म परिवर्तन हो गया यहाँ पे, यहाँ पे किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता, आत्मा परिवर्तन हो जाती है। और जो जो लोग आके पूछते हैं भाई धर्म बदल दिया गया, ये बदल दिया गया, मैं कहूंगा मैं तो आत्मा बदली है। आत्माओं का भी तुम धर्म रखने लगे? कमाल के लोग हो तुम। मरने के बाद उसे पूछो कौन से सेक्शन में जाना है, स्वर्ग तो अलग नहीं है। जमदूत जो आते हैं डेवल एंजल्स, उनको पूछो इस बंदे को धर्म करके लेके जाना, वो क्या होता है धर्म? संसार के लोग संसारी की बातें करेंगे, आत्मा के लोग आत्मी की बातें करेंगे। हालेलुया। पौलुस कहता है अपना अपना प्रचार वो नहीं है कि जो मरे वो लोगों के लिए, अपना प्रचार जिंदा होने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जिंदा हुआ, और उसने वादा किया था मैं जाऊंगा तो मैं सहायक मिलेगा, वो सहायक आज सबको मिलेगा, दैट्स द पवित्र आत्मा। हालेलुया। और बिना पवित्र आत्मा कभी नहीं कह सकते कि यीशु मसीह जिंदा है। आप होली स्पिरिट नहीं होंगे, आप कभी नहीं कह सकते यीशु मसीह का कलाम जिंदा है। और होली स्पिरिट आने के बाद आपको ये नहीं होगा, आप सुपर नेचुरल हो जाएंगे, आप यहां से उठ के कहीं कहीं चले जाएंगे, कुछ नहीं, बस वो तुम्हें बचाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा सहायक है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, योर हेल्पर, तुम्हारा मददगार, सुपर नेचुरल वो वरदान है, वो दान वरदान है। जैसे आप कहते हैं अब पवित्र आत्मा आ चुका है तो हम भी हाथ रखेंगे सब कुछ हो जाएगा, बातें बता देंगे सब कुछ हो जाएगा, वो गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स होली स्पिरिट अलग, और इसी आत्मा में से तुम लेके जाओगे। और बहुत सारे चर्चों में प्रचार भी होता है, लोगों के माइंड में नहीं जाता, लोगों की आत्मा नहीं जाता, दिल में नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? बिना होली स्पिरिट प्रचार ऐसे होते हैं। और होली स्पिरिट मैं आपको बता दूं, होली स्पिरिट ही ये चंगा करती है लोगों को, पवित्र आत्मा ही लोगों को चंगा, पवित्र आत्मा ही डिलीवर करते हैं, पवित्र आत्मा सारी बातें बताता है, समझ आ रहा है? लोग कहते होली स्पिरिट है, और कुछ लोग कहते हमने काम किया नहीं हुआ, कभी कभी लोग गलती करते हैं, वो कहते हैं हमने होली स्पिरिट को खो दिया। होली स्पिरिट तुम्हारे साथ है, जब तुम यीशु मसीह को डिनाय करते हो, इनकार करते हो, तो तुम होली स्पिरिट से दूर होते हो। तुम्हें लगता है कि मैं पवित्र आत्मा से दूर हूं, पवित्र आत्मा तुम नहीं है, पर तुम पवित्र आत्मा से दूर हो। गिफ्ट्स लोगों के पास है, सुनो सुनो, एक आदमी के पास गिफ्ट है और वो परमेश्वर से दूर होता है, गिफ्ट कभी कम नहीं होता, गिफ्ट गिफ्ट ही रहता है, बंदा गिफ्ट में कम हो जाता है, समझ आ रहा है? हम कम हो जाते हैं। सचिन 10 साल बैटिंग नहीं करेगा तो वो क्रिकेटर ऐसा नहीं है कि वो क्रिकेटर नहीं कहलाएगा, वो क्रिकेटर कहलाएगा, वो क्रिकेट खेलने में वीक हो जाएगा। सेम चीज हमारे साथ होती है, यदि मैं हर दिन प्रार्थना करके टाइम रखते तो परमेश्वर हमें क्यों पवित्र आत्मा न देगा? यीशु मसीह ने कहा था तुम व्यभिचार पापी और तुम पापी और पापी होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, कपड़ा अच्छा, बेस्ट स्कूल, खुद चाहे माँ बाप का दिल दुखाया होगा, स्कूल नहीं गए, नशे किए, पर हर बाप चाहता है मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, हर बच्चा चाहता है। फिर जो इतना वफादार है वो क्यों नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा पवित्र आत्मा पाए? कहता मांगने वाले को मैं क्यों ना दूंगा? यदि तुम अपने बच्चों को मांगता है तो रोटी के बदले पत्थर नहीं देते,
और अंडे के बदले बिच्छू सांप नहीं देते। यदि तुम पाप और बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देने जाते हो तो मेरा पिता जो स्वर्ग में पवित्र है वो मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। और यही पवित्र आत्मा तुम्हें अमीर करता है। हालेलुया हालेलुया। लोग कहते हमारा सच नहीं हो रहा पवित्र आत्मा पा, कहते मैं चंगा नहीं हो रहा, मैं कहा पवित्र आत्मा पा, पवित्र आत्मा पा, पवित्र आत्मा तुम्हें सही और गलत का ज्ञान देगा। लाखों रुपए वहां इन्वेस्ट किया डूब गया, पवित्र आत्मा होती तो कभी ना डूबता, क्योंकि तुम्हें पता होता वो आदमी गलत है, ये बिजनेस गलत है। तुम्हारे हाथ में सब कुछ परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, और ये राज्य वो नहीं है जो थोड़े दिनों के लिए, राज्य है जो के लिए। और औरत थोड़ी देर पहले अपनी कैसी, हम जब परमेश्वर यीशु मसीह के बाद चर्च में आती है और तब हम कहते हैं मैं बीमार हूं, मेरे सर दर्द है, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है, एक बात यीशु मसीह से कनेक्टेड होते हैं आपने बदल जाती है। अब मुझे तुझे देखना है, मुझे तुझसे बात करनी है, स्वर्ग राज्य में लेके जाते पवित्र आत्मा दो, और बीमारी को भूल जाते हो, बीमारी उसी होती है, बात बात होगी नहीं तो पवित्र आत्मा कहां जाएगी। हालेलुया हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने दया की और मनुष्यों को अधिकार दिया, जिसपे तू हाथ रखेगा पवित्र आत्मा का वरदान पाएगा वो। हालेलुया। आज मैं इसी के लिए आया। हालेलुया लोगों को गिराने के लिए, पर मुझे समझ आ जाएगा कि नहीं लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। लोगों को भी लगता है पावर का इस्तेमाल कर लोग गिरते हैं, उनकी बीमारियां गिर रही हैं, उनकी दुष्टात्में गिर रही हैं, उनका गरीबी का शराब गिर रहा है, उनके नशे की आदतें गिर रही हैं, उनके अंदर से व्यभिचार की दुष्टात्माएं गिर रही हैं। वो दोबारा जब उठते हैं वो नई सृष्टि होती है। हालेलुया 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 हालेलुया। आज के बाद एक बात खुद को कहो कि मैं कभी ये मत कहें कि मैं पापी हूं, कभी ना कहें कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं। मेरा पिता पवित्र है, मैं पवित्र हूं, मेरा पिता पवित्र है, मैं भी पवित्र हूं। हालेलुया। स्वर्ग राज्य जाना बड़ा आसान हो जाता है जब आपका परमेश्वर का प्यार होगा, और प्यार सिर्फ होली स्पिरिट के, होली स्पिरिट को भूख लगती है वो बाइबल मांगेगी, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, लॉयल्टी रखो। जब हम गंदा करते हैं वो गंदा हो जाएगा, हम साफ कर दे वो साफ हो जाएगी। हालेलुया। और अंत तक धीरज बांधे रखो, ये वही है, अंत तक होली स्पिरिट को संभाले रखो। जब यीशु मसीह आएगा वो रोशनी को चुनेगा, कहते रैप्चर होगा, दो बैठे एक उठा लीजिएगा, दो उठाए एक उठा लीजिएगा, होली स्पिरिट रखने वाले बंदों का आवाज आएगी। समझ आ रहा है? ट्रंप बज गया सुनाई नहीं दिया, एक तूरी बज गई सुनाई नहीं दिया, कसूर मेरा नहीं है, कसूर मेरे से पहले जिन्होंने प्रचार किया जम्मू कश्मीर में, और तुम्हें पता ही नहीं था आदमी कान कैसे खोलनी है और आदमी कान कैसे खोलने, परमेश्वर की आवाज कैसे सुननी है। परमेश्वर की आवाज जब आप होली स्पिरिट में होते हैं परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, उसने कहा मेरी आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, और जब वो बात आएगी तो आपको सुनाई नहीं देगी, सुनाई देगी। हालेलुया। और उसे पाने के लिए हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस मांगने की जरूरत है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। नहमोशिखा लाबा खोरा बसिया। और यही आत्मा हमें परमेश्वर से जोड़ेगा, यही आत्मा हमें का बताएगा। तो कहते मंदिर का 24 घंटे जहां मर्जी का, उस प्रार्थना और पहाड़ पर करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना किसी मंदिर में करने की जरूरत नहीं है, आप जहां कहीं जाओ वही मंदिर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता मुझ में और मैं पिता में, और आज यीशु मसीह का है तुम्हारे अंदर, और जब यीशु मसीह अंदर आ गए तो हम चल रहे हैं, यीशु मसीह चल रहा है, लोग वो देख ही नहीं रहे, जिसकी आंखें हैं वो देख ले। समझ आ रहा है? एक स्त्री एक नबी को देखते एलीशा को, कहती है आज हमें तेरी रोटी खिलानी, मैं तेरी सेवा करनी है। समझ आ रहा है? वो सेवा कर रही है उसकी, क्यों? क्योंकि उसकी आंखों ने वो देख लिया था। समझ आ रहा है? मैं पहले भी चलता था लोगों को समझ नहीं आती थी, पहले आत्मा पाके रोड पे चलता था लोगों को समझ नहीं आ रही थी, लोग देख नहीं पा रहे थे। यीशु मसीह का आत्मा, यीशु मसीह चल रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही है। समझ आ रहा है? और जब समझ आता है तब टाइम बड़ा दूर हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ लोग, मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इसलिए लोगों को प्यार मत करो जैसे आप दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए प्यार मत, ये चर्च आने वाले लोगों से प्यार करो, और जो चर्च में नहीं आते उनसे भी प्यार करो। यही है पवित्र आत्मा। और कभी कभी ऐसा होता होगा आप बिल्कुल साथ वाले को देखते होंगे, आपको नफरत आती होगी,
पर अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं ऐसा क्यों कर सकती हूँ। मैं यीशु की बेटी हूँ। परमेश्वर अपनी बातों में से बताता है कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने व्यारियों के लिए प्रार्थना करो, और जब तुम घुटने टेकते तुम्हें एकदम से आता है उसी के लिए दुआ कर, उसी के लिए दुआ कर, उसी के लिए दुआ कर। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा को तुम्हारे सहायक के लिए ढूंढता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस। अब जाकर लाइट ऑन करने की जरूरत है। कितने लाइट को ऑन करने वाले आज, ताकि रोशनी में रहो, मेरी लाइफ से जाए। जब स्विच ऑन नहीं करोगे आपकी लाइफ ऑन नहीं होने वाली, पवित्र आत्मा कभी नहीं आने वाला। फिर अगर पवित्र आत्मा चाहिए हमें परमेश्वर के वचनों पे चलना। समरी खाला बाखोरी बसिंदरा बना कोया सिका रोको बहांडला बाकोशिया मांडा। और जब परमेश्वर का परमेश्वर यहां से चलेंगे अपनी अपनी अपने पिता की महिमा को पूरा करके चलेंगे, और जब वो चलेंगे तो उन्होंने सहायक देने का वादा किया था, और पैंतीस गुरुत्व के दिन वो आत्मा हर एक पर उतरा और वो था पवित्र आत्मा, और लोगों के मुंह पे फटने लगी, लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। मैं स्पेनिश बोलता हूँ और मुझे तमिल नहीं आती है, और एक दिन मैं तमिल बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ कह रही आप मलयालम में क्यों बात कर रहे हो। मैंने कहा मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं क्यों करूँ, दिस इज द टंग। अगर मैं इंग्लिश में प्रार्थना करूँ या स्पेनिश में प्रार्थना करूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, जो मैं जानता भी हूँ। अगर मैं हिंदी में प्रार्थना करूँ कोई बड़ी बात नहीं, मैं जानता भी हूँ। पंजाबी में प्रार्थना करूँ कोई बड़ी बात नहीं, मैं जानता भी हूँ। डोगरी में प्रार्थना करूँ तो मैं जानता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, पर यदि मैं अरबी में प्रार्थना करूँ, कितना मेरी बात समझ आ रही है। तो ये परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं अफ्रीका की लैंग्वेज में प्रार्थना करूँ इसका मतलब कि अन्य भाषा है, अच्छी भाषा जो शैतान को समझ नहीं आती है। क्यों शैतान ने, क्यों ये परमेश्वर ने ऐसा किया, क्यों अन्य भाषा भेजी, क्यों भेजी। हालेलुया। जब अन्य भाषा, एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि नूहा के लोग उन्होंने कहा मैं काम करेंगे, पुराना बाइबल नहीं होगा सबके पास, उन्होंने कहा मैं काम करते ऐसे टावर बनाएंगे, ऐसी मंजिल बनाएंगे जो सीधा स्वर्ग जाती होगी, सीढ़ी बनाएंगे सीधा स्वर्ग जाने का रास्ता, समझ आ रहा है। और परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर कहा ये पागल हो गई है क्या कर रहे हैं। परमेश्वर की भाषाएं बदल दी, पहले सबकी भाषा एक थी, उसके बाद भाषा बदल दी, सबकी भाषाएं चेंज कर दी, और तब जब चेंज होगी तो सब अलग अलग हो गए, समझ आ रहे। और परमेश्वर ने कहा ये अलग ही रहेंगे जब तक इनकी भाषा एक ना होगी। और परमेश्वर यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी उसके बाद उसने कहा मैं सहायक दूंगा, और साथ में एक भाषा दी, और वो भाषा एक है। और उसने कहा यदि ये अलग अलग बोलेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि एक भाषा बोलेंगे तो स्वर्ग चले आएंगे। हालेलुया। वो जो परमेश्वर यहोवा ने तोड़ा था उसे वापस जोड़ा, ताकि तुम स्वर्ग जाने का रास्ता बनाओ, और वो रास्ता अन्य भाषा से। और बाइबल एक बात कहती है जो अन्य भाषाएं बोलते हैं वो परमेश्वर से बातें करते हैं, वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे वो बातें कर रहे थे। हालेलुया। और इसलिए पवित्र आत्मा से भागो, नए लोग नहीं समझ आएगी, लेकिन जानने की कोशिश करो। पवित्र आत्मा सबसे ऊपर है, और ये आत्मा जब तुम मांगते तुम्हें मिल चुका है, ये तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। पवित्र आत्मा आते तुम सुपर नेचुरल फील नहीं करोगे, बस तुम गुनाह नहीं करोगे, यही एक सबूत है कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिल चुका है। हालेलुया। अल्लाह, पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा वो है जो तुम्हें गुलाह से अलग करता है। पवित्र आत्मा पवित्र ही काम करेगी। और फिर कहते धर्म, मैं कह पवित्र आत्मा का धर्म से क्या लेने देना। बुलाओ धर्म वाले आदमी को, बोलो पवित्र आत्मा है इसके पास, पूछो उसको है, और वो दो चीजें, ये पवित्र आत्मा तुम्हें कैसे मिलेगा और अन्य भाषा कैसे मिलेगा। ओह, सीक्रेट आ गया। हाँ सच में, कैसे मिलेगा, कैसे? पहले अपना धर्म बाहर छोड़ के आना, लिफाफे में डाल के बाहर छोड़ के आना, इधर नहीं रखना। और ना मुझसे धर्म की बातें करना, क्योंकि मैं धर्म धर्म नहीं खेल रहा यहाँ, मैं स्वर्ग की बातें करने आया। यीशु मसीह ने कहा था कि पहले तो मेरे धर्म में राज्य की खोज में रहा, और यीशु मसीह का धर्म क्या था? गुनाह से दूर रहना। और आज अगर आप लोग कितने चाहते हैं मुझे अन्य भाषा मिले, पवित्र आत्मा मिले, आज राइट नो टुडे। हालेलुया। और सीक्रेट कितना, पहले है कि आपको पश्चाताप और विश्वास करना कि परमेश्वर का वचन जो है वो मेरे लिए, मैं कह रहा हूं आप उसी दिन पा चुके हैं पवित्र आत्मा, आज के आज, कल नहीं, वचन याद करने के लिए, विश्वास करने के लिए। सिर्फ आप विश्वास करें और पश्चाताप करें अपने गुनाहों से, और जैसे आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, जैसे आपने छोड़ दिया गुनाह को, आप लोग सोच रहे अभी मैंने छोड़ा पता नहीं कल क्या होगा, कल की नहीं अभी की,
यीशु मसीह मैं हूं, और पवित्र आत्मा उसी वक्त तुम्हारी लाइफ में आपका विश्वास कर परमेश्वर, यदि तू विश्वास करेगा परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बात की थी, लोग गिर गए थे, समझ आ रहा है? यीशु मसीह ने बात की थी, लोग गिर गए थे, लोग गिरते हैं, उस वक्त भी गिर गए थे, और आज जब हम प्रार्थना करते हैं, बात करते हैं प्रभु से, तो लोग गिरते हैं, और लोग कहते हैं ये शैतान का। मैं कहता तुमने तो यीशु मसीह को भी शैतान कह दिया, यीशु मसीह की सामर्थ को भी शैतान कह दिया। कुछ लोग अपने आप को बहुत ऊंचा करते हैं वीडियो को एडिट करने के लिए। आज मैं जो वीडियो देख रहा था उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो खुदा का इतना बड़ा दास है, खुदा का इतना अभिषिक्त खुदा का दास है, शैतान तुम्हें चीज नहीं दिखा सकता पर चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास चंगा करने की सामर्थ नहीं, सिर्फ बुरा करने की सामर्थ है। वो तुम्हारी पढ़ाई में प्लस नहीं कर सकता, तुम्हें नीचा करता, फेल करवा सकता, पास नहीं करवा सकता। वो तुम्हें घर बनाने में कभी सहायता नहीं करता, पर तुम्हें गरीबी दे सकता, समझ जा रहा है? वो सिर्फ पैसा उनको देता जो उसकी आराधना करते हैं। और आप जब शैतान के साथ पाप के साथ जुड़े रहते हैं तो आप ब्लेस नहीं होते, और अपने आपको पापी मत कहिए, क्योंकि आप पापी नहीं है। यीशु मसीह अपनी जान दे दी। अगर आज ही आप कहते हैं कि मैं पापी हूं, तो आप यीशु मसीह की जान देना बेकार कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब मैंने अपनी जान दे दी कोई पापी नहीं, क्योंकि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा हर एक पाप से, चाहे तुम्हारी हो किसी की भी हो, वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और बिना पुत्र के कोई तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता, समझदार है? हालेलुया। मैं अगर इस घर का मालिक बेटा हूं तो मैं तुम्हें कोई भी चीज दे सकता हूं, पर इस घर का कोई और काम बंदा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? एक मालिक है, अंबानी का कोई नौकर है, वो अंबानी का नौकर वो चीजें हमें नहीं दे सकता, हमें उधर से पैसे उतार के नहीं दे सकता, जहां हमें पैसे निकाल के नहीं दे सकता, पर कौन दे सकता है? उसका बेटा दे सकता है, उसकी वाइफ दे सकती है, वो अधिकारी है। ऐसे उसने अपने बेटे को भेजा कि जा लोगों को उतार कर, लोगों को स्वतंत्र कर हर एक गुनाह से। जब तुम गुनाह से पश्चाताप करते हो तो तुम पवित्र आत्मा भागते हो, और पवित्र आत्मा के बाद तुम्हारी लाइफ ब्लेस्ड है। मैं कहता हूं बड़ी चीजों के पीछे भागो, तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास जब आई थी तो वो अपने दुखड़े को लेकर आई थी, वो पानी मांग रही है, वो आके से स्टाइल से बात कर रही, तेरे पास पानी भरने के लिए कोई बर्तन भी नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है। पर जब यीशु मसीह से एक बार बात शुरू हुई तो वो आत्मिक हो गई, तो वो कह रही है कि हमें आराधना कहां करनी चाहिए। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, चर्च में आते हैं, और हम जब यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं मेरे पेट में दर्द, मेरी ये दर्द, मेरी वो, बाद में जब परमेश्वर के काम करते हैं अपनी लाइफ में, वो परमेश्वर के पास, मेरे पास तुम सिर्फ ये कहोगे मुझे बीमारी है। यदि आप परमेश्वर के पास जब आप कहोगे मुझे बीमारी है, ये यीशु मसीह ने अगर एक बार कह दिया हाँ तेरी बीमारी को मैं जानता हूँ, तुम उसी बात पूछोगे ये पिता मैं प्रार्थना करूँ, ये पिता मैं क्या करूँ, मांगने की लोड़ खत्म कर दो। आज के बाद मैं इस चर्च को एक नई चीज सिखा के जाने वाला हूँ। आज के बाद जितने लोग कहते हैं प्रभु मेरे घर में परेशानी है, मेरे घर में पैसा तंगी है, मेरे घर में बिजनेस नहीं चल रहा, बेकार है ये सारी प्रार्थनाएं, परमेश्वर को ऐ प्रभु मेनू दस मैं क्या करूं, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस अगर फलवंत नहीं है मुझे बताओ, क्या प्रार्थना और करने की लोड़ है, क्या रोजे और करने की लोड़ है, क्या बीज और लगाने की लोड़ है? दिस इज द सीक्रेट। किस जरूरत है प्रभु मेरी प्रार्थना में कमी आ गई है, क्या मैं ज्यादा प्रार्थना करूं? हां नहीं, क्या मेरे बीच में कमी है बताओ? अब्राहम को जब उसने कहा था, यहोवा ने कहा था ओए चल अपने बेटे को लेके बलिदान कर, तो वो कहता था है प्रभु है मेरे मालिक है यहोवा, क्या मेरी आस्था में कोई कमी रहेगी? कमी होगी तभी बात नहीं हो रही है, तो पूछने की लोड़ है। तो प्रार्थना के बीच में ये मत बोलो ए खुदा मेरी प्रॉब्लम, मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरी मेरी लाइफ क्या होगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा। आप परमेश्वर को पूछो प्रभु मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूं, अगर मेरे रोसे में कमी है मैंने 40 रखे कमी है तो मैं 60 कर देती हूँ, अगर मेरे बीज में कमी है तो मैं बीज बढ़ा देती हूँ, अगर मेरी प्रार्थना में कमी है मैंने 3 घंटे प्रे की मैं 6 घंटे करती हूँ। बताओ एक बार बताओ तू शो मी, एक बार बताओ तो सही। हाँ तो कहते परमेश्वर से मांगना, मांगने की जरूरत नहीं, प्रभु कमी रह गई है कोई कोई कटा सुना दो साड़ी आत्मिक उन्नति में, क्योंकि परमेश्वर ने एक बात कही थी मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसके बाद एक बार आंखें बंद होगी फिर कोई पाप क्षमा नहीं होगा, और मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नया जीवन जी के तो देखो, अनंत जीवन जी के तो देखो, बेकार की जिंदगी जी के कोई फायदा नहीं। तुम में जीवन की जल की नदियां बह उठेगी, वो जीवन की जल की नदी जब देखी नहीं, गुस्सा तुम में, व्यभिचार तुम में, गालियां तुम में, उसके परोके कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं हम चर्च जाते हैं आत्मिक, क्या तुम शारीरिक नहीं हो, तुम में झगड़े होते हैं? अगर तुम दूसरों की बातें करते हो तुम शारीरिक हो, तुम चुगली करते हो तुम शारीरिक हो,
कि आत्मिक लोग ऐसे नहीं, आत्मिक एक ही लालसा में रहता है, प्रभु मुझसे बात कर, ए गॉड जस्ट टॉक टू मी, परमेश्वर मुझे मेरी कहां कमी है, स्वर्ग जाने में कहां रास्ता खराब है, वो डर के मारे बात भी नहीं करता क्योंकि वो होली स्पिरिट को खोना नहीं चाहता। आत्मा और वो सिर्फ यीशु मसीह तुम्हें देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब तक वो ना आएगा हमें कुछ नहीं मिलेगा। सत्य का आत्मा ही हमारी बातें करवाएगा, सत्य का आत्मा हम में होकर परमेश्वर से बातें करेगा। 6:26 में क्या लिखा, पौलुस कहता है आई डोंट नो हाउ टू प्रे, मैं नहीं जानता प्रार्थना किस रीति से करें, पर आत्मा दुर्बलता में चाहते, कौन सी वाली, ये व्यभिचार, ये आत्मा उसको साफ करती है हमारी सोल को, सोल सिर्फ हम सांस लेने के लिए है ना, आत्मा कभी नहीं मरती, समझ आ रहा, आत्मा कभी नहीं मरती, सोल वो ही मरेगी, और जिससे हम जी रहे हैं ये अलग है, और जो हमें परमेश्वर से मिलेगा वो अलग है। ऐसे तो हम सबको कैसे, सबके पास आत्मा, परमेश्वर ये आत्मा की बात नहीं कर रहा जो नाश होने वाली है, परमेश्वर उस आत्मा की बात कर रहा है वो सभी कभी नाश होने वाली है, और उसकी लालसा में रहो तो सब कुछ तुम्हारा। क्या होगा, 5 दिन काम किया तो 2 दिन काम नहीं किया, 2 दिन मैंने प्रभु के लिए घुटने लगाए, और उस 2 दिन में अगर मैं कहूं प्रभु अगर मेरे 2 दिन में कमी है तो मुझे बताओ मैं 3 दिन कर दूं, हालेलुया, प्रभु मेरे सारे गुनाह छोड़ दे, ऐ खुदा मैंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी, ऐ खुदा मेरा अनंत जीवन के लिए तैयारी है, कल को ये जिठानी के लिए आप बोलो जिठानी तुम्हें नर्क लेके चली जाएगी, अरे मेरी जिठानी ऐसी, मेरी जिठानी वैसी, वो साथ वाली पड़ोसन इग्नोर करो उसे, क्योंकि स्वर्ग जाने वाले लोगों को रिश्तेदारों की नहीं पड़ी होती है, उसे स्वर्ग की पड़ी होती है। हालेलुया, आए लोगों को मेरे चाचा वो मीटिंग बिठा रहा, मेरा मामा वो मीटिंग बिठा रहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा टेंशन मत ले कि तुझे तुम्हें सभाओं में क्या बोलना है, मुझ पे विश्वास रख, और जब तू सभा में जाएगी मैं बता दूंगा तुझे क्या बोलना है। और मनुष्य की लड़ाई ना आत्मा से नहीं होती है, और हमारी लड़ाई मनुष्य से होती है, हम कब के फट्टे गाड़ देते लोगों के, समझ आ रहा, हम थर्ड डोमिनेशन लेकर पता नहीं क्या क्या कर देते, लोग बात क्या करना ऐसे ची भी नहीं करते, पर हमारी लड़ाई आत्मिक मन से, समझ आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पतरस ने जब कहा था अन्ना को और सफी, कितनी सी गलती थी उनकी, उन्होंने जो पैसा लाया था और जो बीज था निकाला उसमें से आधा छुपा दिया, और आधा छुपा के आधा केलों को दे रहे हैं, लो जी पतरस ने जान लिया आत्मा में, कहता क्या इतना ही दान था जो तुम्हें जगह बेच के मिला था, कहते बिल्कुल इतना ही, उसने कहा चल खत्म, 1 सेकंड लगा मर गया। अब पतरस यीशु मसीह का चेला था, समझ आ रहा, तो ये पावर भी बिल्कुल है, अफ्रीका में बहुत सारे खुदा के दास जीत पास ये है। हालेलुया, पर बात यह कि यीशु मसीह ने कहा, कहते यीशु मसीह अगर एक बार कह देते ना कि जितने लोग अपने जिस्म में से अपनी रूह को अलग देखेंगे और अपनी मौत देखेंगे इसी वक्त, ये भूकंप बाप बलू ना होता काका तुम तो मैं स्वाद खा देता, पर भूकंप बाप का तुम हालेलुया। हमें हुक्म यीशु मसीह से है, अब आप कैसे नहीं कहते, अगर आपके पड़ोसन आपको मजबूर करते अपनी जिठानी के खिलाफ बोलने के लिए तो आपके 3 घंटे की पीरियड बेकार होगी, आप पवित्र आत्मा को गंदा करते हैं, आपकी जिठानी शायद आपके लिए सही हो लेकिन शैतान का काम कौन कर रही है। हालेलुया, पर यदि कोई आपसे ये कहे बड़ी आई दुआ करने वाली, कौन सी दुआ करती है तू, कौन से यीशु मसीह को मानती है, ये तेरी डिवाइन हेल्पर है कि तेरी प्रेयर डबल हो जाए। हालेलुया, तो पवित्र आत्मा जब आता तब तुम्हें पता लगेगा कि गलत कौन सा सही कौन सा, क्या ये इसने बुरा कहा जो मेरी भलाई के लिए है, जहां वो जो मुझसे प्यार से बात करी, तेरी जेठानी तेरे खिलाफ ऐसे बोल रही, बोलने दे, यीशु मसीह के खिलाफ भी तो लोगों ने बोला था, और यदि यीशु मसीह का आत्मा मेरे अंदर है तो इसी आत्मा को लोग बुरा कहेंगे। यीशु मसीह ने कहा था कि वे तुमसे व्यर्थ प्यार करेंगे और मैंने तुम्हें संसार में से अलग किया, और संसार के यदि तुम होते तो वो तुमसे प्यार करते, तुम संसार के हो ही नहीं। हालेलुया, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, परवाह किस चीज की है, यीशु मसीह के कपड़े उतर गए थे लेकिन उसने उतारे थे, लोग मैंने कहा यीशु मसीह नंगा होकर सूली चढ़ गया, किसने सवाल नहीं किया, यीशु मसीह नंगा होकर कहां चढ़ गया था, यीशु मसीह को खुद चढ़ाया गया था, ये यीशु मसीह खुद इजाजत ना देते तो हिम्मत नहीं थी कि उस पाप को छू जाए, एक बार उसकी रोशनी देख के तो देखो सैन से बाहर हो जाती है।
यहाँ लोग गिरने लगते हैं यीशु मसीह की जब हाथ में टच करती है, तो कहते हैं यीशु मसीह को हमने किल मार दिया, यीशु मसीह ने तुम इजाजत दी थी तभी किल बजे थे, नहीं यीशु मसीह अपनी बोतर जाता काका तुम दिखने में नहीं थे, वो कम बाप दादी। अब एक बहुत ताकतवर बंदा और वो एक आम आदमी का झुकता है तो वो इसलिए नहीं झुक रहा है कि उससे डर रहा है, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर से डर रहा है। हालेलुया, हमें डरने की लोड है और वो डरने की आग कौन बुझाएगा हमारे अंदर? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें गरीब करता है, पवित्र आत्मा हमें हलीम करता है। मैं उस गरीबी की बात नहीं कर रहा जिसके पैसे की बात कर रहा हूं। हालेलुया, हम गरीब हो जाते लोग कम हो जाते हैं हमारे पास, जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता लोग कम हो जाते, रिश्तेदार कम आते हमारे पास, वो कम आते। क्यों कम आते? क्योंकि उन्हें हम पसंद नहीं आते, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा कि मैंने तुम्हें संसार में से अलग किया। यीशु मसीह ने कहा था मैं इसीलिए आया कि बेटे को बाप से अलग कर दूं, बहू को सास से अलग कर दूं, माँ को बेटी से अलग कर दूं, बेटे को माँ से अलग कर दूं। ये लिखा हुआ है, वो सच हो रहा है। और यीशु मसीह पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ होगा। मेरा राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आज चर्च में मैं बहुत सारी कड़वी बातें बताता हूँ, पर कड़वी बातें तो मैं शुगर नहीं होने देंगे। हालेलुया, शुगर नहीं होगा, फिर रोना पिटना नहीं पड़ेगा उस नर्क में। बहुत बुरी हालत है लोगों की, मैं डरा नहीं रहा हूँ पर बता रहा हूँ, इस चीज की बात ही नहीं करनी है। हमें आज पवित्र आत्मा के बारे में जानना है, और यदि हम नर्क की बातें करें फिर हम नर्क में जाएंगे, यदि हम स्वर्ग की बातें करें स्वर्ग में जाएंगे। ये और वो स्वर्ग की बातें करते हैं, समझ आ रहे? जो ऊपर से आया वो ऊपर की बातें करेगा, संसार के संसार के। आप मोहल्ले वालों को बोलते होंगे यार यीशु मसीह ऐसा करता है, तुम यीशु मसीह का स्वर्ग का विराजमान और उसका आत्मा हमारे साथ है और यीशु मसीह है यहाँ, मैं हूँ। और जब यीशु मसीह की बातें करते हम कहाँ की बातें करते हैं? स्वर्ग की बातें करते हैं। और लोग हमसे क्या पूछते हैं? तू बड़े चले गए यीशु में, तू संसार का तुझे समझ नहीं आ रही। पर हमारा फर्ज उसे समझाना, ये नहीं कहना कि हम बुद्धि में तुझसे ऊपर है, ऐसा कह नहीं सकते। हमारा फर्ज उसे समझाना, क्योंकि यही हमारी सेवा है। हालेलुया, हमारा लोग एक चीज बड़ा घर बनाना है, वो सब बनाना है, बड़ी रूहें बचाओ, परमेश्वर की महिमा होने वाली है। तुम्हारा घर सुख में होना चाहिए। यजमानी कह रहे थे कि तुम्हारा धन वहां होना चाहिए जहां वो घटता नहीं। वो कौन सा? अनंत जीवन। गाली दे दी किसी ने, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बुरा किसी ने बोल दिया, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बहुत सारी उल्टी बातें लोगों ने बोली आपके बारे में, बेवकूफ, बेकार, नकम्मा आदमी, कोई इसको पता नहीं चलता, ठीक है। पर यही जो स्वर्ग बनाने वाला परमेश्वर, उसने मुझे धन्य कहा, उसने मुझे समझदार कहा, उसने योग्य कहा, बेकार कहा, यहोवा ने मुझे ऊंचा कहा। उसने कहा बेकार को, और वो कहा कोने का सिरा हो गया। जिसे राजमिस्त्री, राजमिस्त्री कौन से थे पता? खास से खास मिस्त्री। आज हमारे घर मिस्त्री आता गलती कर देगा, पर आज का मिस्त्री अगर हमारा घर बनाएगा हम जाएंगे। जिसने व्हाइट हाउस बनाया यहाँ पे घर बनाएगा, मत कितना कमाल बनाएगा, समझदार है। और यदि राजमिस्त्रियों ने उस पत्थर को निकम्मा ठहराया, वो कोने का सिरा होगा, कमाल होगा। हालेलुया, जब यीशु मसीह के पास है तो आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक बातों के लिए, तुम्हारा शरीर को वो क्यों नहीं चंगा करेगा? जब तुम अंदर से चंगे हो, कहते तुम बर्तन को बाहर से तो मानते हो पर भीतर से नहीं मानते, अंदर से झूठा ही है वो। बाहर से लोगों को सफेद कपड़े दिखा के मैं हूं खुदा का बंदा, मैं परमेश्वर, कहां से हो? यीशु मसीह ने कहा था मेरा, बहुत सारे लोग यीशु मसीह का प्रचार चोरी करके बताते हैं, चोरी करके अपनी पुस्तक में लिख के छाप के बताते हैं। यीशु मसीह का हाय उन पर जो मेरा वचन चोरी करके सुनाते हैं। और मैं भी आज कहता हूं फायर, फायर जो चोरी करके वचन सुना रहे हैं, वो किताबें जल जाए, नाश हो जाए, जिसमें यीशु मसीह का वचन चोरी करके बुलाया हो। और एक चीज प्रभु ने रात को मुझे बताई, जब मैं 11 से लेके 2 बजे तक था प्रेयर में, उन्होंने कहा बहुत सारे बाबे जो है मरने वाले, लाइन लगने वाली है, रास्तों में लाशें दिखेंगी आपको, मंदिरों में लाशें दिखेंगी आपको। मैंने जितनी प्रोफेसी की कभी और कम नहीं हुई, बहुत सारी लाशें आपको रास्ते, अरे बाबा मर गए, उठा के कर दो कहीं, कर देना, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा अंतिम घड़ी में ऐसी चीजें होने वाली है। बहुत सारे बाबे आपको रोडों में लाशें दिखेंगी, मंदिरों में आप जा रहे होंगे, सुबह रात को आप उसको उठाएंगे, उठ भाई हम आए हुए हैं, वो आएंगे क्या, वो मर पड़ा हुआ है। बड़े बड़े जो खुद को अपने को नीचे होने वाले वाले, मैंने कह दिया ये प्रोफेसी है, और दिस इज द फायर। हालेलुया,
और जितनी किताबें परमेश्वर यीशु मसीह का वचन लेके उसमें छाप के लोगों को बताया जा रहा है कि परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा, बाबा जी ऐसे कह रहे हैं, वो बाबा जी तो पहले नंबर जा रहे हैं आज। हालेलुया। क्योंकि ये पहले कहा था, लास्ट टाइम मैंने कोई प्रोफेसी की थी और मैंने कहा था मेरा मन नहीं कितने को, परमेश्वर कहता क्या है तू। बहुत सारे चर्च में खुदा का दास कहते हो, हाई नंजुड़ा खुदा का दास अगर एक बार हाथ रख दे आपकी सारी बीमारी चल गई, पर वो कभी कभी कहते हैं आपको सीट देना 25,000। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं कहते, परमेश्वर का आत्मा उन्हें मांगने के लिए कहते। पता क्यों? क्यों? आपको अगर मैं फ्री में पढ़ाऊं इंग्लिश, आप क्या करोगे? कोई वैल्यू नहीं। शाम को मैं फोन कर रहा हूं, जी कहां हो आप? मैं स्टेडियम में हूं, मैं जम्मू में हूं आज, मैं उधमपुर में, परसों आता हूं ना क्लास के लिए, एहसान मेरे ऊपर होता उसका। तो जब पैसे दियोगे फिर मेरा एहसान तेरे ऊपर होगा। समझदार है? ऐसे आप मुफ्त में चले ले हैंड करना, कोई वैल्यू नहीं है। हाँ जी कर दो ले हैंड, कोई विश्वास नहीं। 25,000 दियोगा पूरी तैयारी के साथ जाओगे, हाँ जी पापा जी। समझदार है? समझदार है? आप समझदार है? खुदा के बंदे को गलत कहने से पहले ये जान लो उसका सीक्रेट क्या है। आज चर्चों में जो छोटे मोटे चर्च चलते हैं, छोटे मोटे मतलब ये नहीं कम लोगों की बात कर रहा हूं, ज्ञान कम होने के कारण की बात क्योंकि खुदा के दास ने पैसे मांग लिए। खुदा के दास ने पवित्र आत्मा उन्हें कहता है कि मांग, क्योंकि उनका सीड बोल लेगा। अगर वो सालों से एक बीमारी में है, लाखों रुपए उसने वहां खर्च कर दिया, वो खुदा का 20,000 का बीज वो तुम्हारा ले और पवित्र आत्मा बोलते हैं क्या पता कि इसके लाखों रुपए लग चुके हैं, उस लाखों को काटने के लिए काम करेगा। हालेलुया। मैंने खुदा से कहा था, खुदा मुझे इस चीज के लिए कभी ना कहना, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसा कह सकूं। प्रचार क्या, जो क्या, प्रोफेसी क्या, मैं सब कुछ बोल दूंगा बेटर। ने कहा कोई तेरे खिलाफ खड़ा नहीं होगा, तो तेरे साथ खड़ा नहीं होगा, है ना? समझ आ रहा है? तो यहोवा को खोना नहीं है, बाकी दुनिया परवाह नहीं कर रही। और आप सब जो है यहोवा के बेड़े और सबसे प्यार करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा लाइफस्टाइल वैसे ही रहेगा। मैं नहीं कहता जो मांग भरे वो मांग भरना बंद कर, आपकी मर्जी। मैं नहीं कहता आप बिंदी क्यों लगा रहे हैं, मैं नहीं कहता आप जीन्स क्यों पहन रहे हैं, मैं नहीं कहता आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं शराब क्यों पी रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं पवित्र आत्मा क्यों नहीं मांगते, मैं ये कहता हूं कि आप अविश्वास क्यों नहीं करते, मैं ये कहता हूं कि हो जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज जाके ऑन करने की जरूरत है स्विच, और वो लाइट मेरे घर को अंधेरा करे। मेरा घर ना बड़ी मुश्किल है, मेरा पति बड़ी शराब पीता, तुम अंधेरे में, और मैं क्या करूं? तुम खुद वरदान पाए हुए लोग, तुम प्रार्थना करो, एक बार स्विच ऑन करके तो देखो, अंधेरे में चलोगे तो लिखी हुई एप्लीकेशन लाइट में लिखी सबको समझ आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अंधेरे में एप्लीकेशन लिखते हो और पता नहीं है टू कहा है, दा कहा है, और उसका जो सब्जेक्ट है वो कहा है, और जब आप किसी को समझ नहीं आती, पर जब लाइट में लिखी होती है आप पूरे स्टाइल से लिखते, आपकी हैंड राइटिंग समझ आती है आप क्या लिख रहे हैं, सिस्टम होता है। यहोवा ने आने से पहले यही कहा था कि सिस्टम सीधा करो अपना, और वो सिस्टम क्या था? उन्होंने कहा था कि बपतिस्मा लो और अपना मन फिराओ। मन फिराने का क्या मतलब? अगर आप हिंदू हैं तो मुसलमान बन जाए, मुसलमान है तो क्रिश्चियन बन जाए, अपने पापों को छोड़े और अपने गलतियों को छोड़े और पवित्र आत्मा पाओ। पवित्र आत्मा ये नहीं कहता तेरा धर्म कौन सा, पवित्र आत्मा एक ही बात कहता तेरा मन कौन सा। क्या तू गुनाह पाया आदमी है? हाँ? और पवित्र आत्मा सबसे पहली रिक्वेस्ट यही रखती है, वो पहला कहते हैं ना यार फौजी बनना है, पर जीजत क्या तुम्हें दौड़ निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट पास करना पड़ेगा, मेडिकल क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद खुदा ने बाकी सब मैं नहीं जानता, पर इतना मैं जानता हूँ मेडिकल तक होगा, और उसके बाद क्या होगा? व्हाट इज आफ्टर मेडिकल? फिर फौजी। समझ आ रहे? और अगर आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग हो तो पहला प्रोसीजर है गुनाह से माफी मांगो, पश्चाताप करो, रिपेंट, पहला पश्चाताप करना है, दूसरा फिर परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना और उसके वचन पे विश्वास करना है कि उसने जो जान दी वो मेरे लिए दी। हालेलुया, हालेलुया। और फिर देखो पवित्र आत्मा कितनी, मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलेगा? पवित्र आत्मा संसार का नहीं है, क्योंकि संसार के लोग हासिल नहीं कर सकते। अगर आपकी आपकी जिठानी से लड़ाई है तो मैं गारंटी कहता हूँ कभी पवित्र आत्मा नहीं आएगा। अगर आपके दिमाग में ये है कि ये बंदा गलत है, तुम कहते नहीं मैं इसे माफ नहीं कर सकता कभी भी, तो आपकी लाइफ में कभी पवित्र आत्मा नहीं आएगा। अगर आपने माफ कर दिया इटमीन आपके में पवित्र आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर का मेरे काम तुम में जाहिर करेंगे कि तुम में पवित्र आत्मा है,
वो कौन सा काम है? जब तुम गुनाह से परे हो जाओगे, जब तुम पाप को छोड़ के धार्मिकता को लेते हो, धर्म को बोलेंगे मैं धर्म से, मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी धर्म से क्यों ना। ये धर्म धार्मिकता करके रिपोर्ट लगाई वो सब करना ये बेकार है। तुम्हें खुदा शांति दे, वो शांति जो यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने चेलों को दी थी। आज कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं खुद हिल गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राइट नाउ हेवन में हूँ, क्योंकि मैं एंजल श्री में खुदा के दास देख रहा हूँ, जैसे पतरस यूहन्ना ये ऐसे है। हालेलुया, पौलुस ने एक बात कही थी, कहता तुमने अकेले राज्य किया, बेहतर होता कि यदि तुम हमें भी बुलाते हम मिलकर राज्य करते। आज भी आता है यूहन्ना, आज भी आता है, और मैं चाहता कि वो यहाँ हो क्या वो आ चुके यहाँ पे। आगे बता पतरस क्या करते थे, सबसे ज्यादा चमत्कार किसने किया? पतरस ने, यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के बाद पतरस ने किया। मुर्दे कितने मुर्दे जिंदे किए, और फिलिपोस एक जगह से दूसरी जगह चला जाता, आत्मा उन्नति वचन सुनाने में कमाल यीशु मसीह का, पौलुस कमाल। आज मुझे ये समझ नहीं रहा कितने है, मुझे नहीं याद आ रहा, पर मुझे ये दिख रहे हैं कि ये सब यहाँ पर है। एक रैंक है, रैंक 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 रैंक। जब तुम टाइम दोगे प्रभु तुम्हें टाइम देगा, जब तुम टाइम नहीं दोगे प्रभु तुम्हें टाइम देगा। कहता जो तू बोएगा वही तू काटेगा, रियलिटी। आप जब प्रेयर में बैठते हैं और अपना टाइम देते हैं, है ना, पे योर टाइम। जब तुम पे, आप दुकानदार के पास चले जाओ, उसको बोलो मुझे जूते चाहिए, वो पैसे दो, पहले वो सब कुछ करवा देगा। पर यदि आप, मैं बाइबल से आपको कहता हूँ, आप बाइबल पढ़ते हो और बाइबल लिखा है परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें पूछ बना, पूछ नहीं बनाऊंगा, सिर्फ। और आप जाते हैं प्रभु मुझे सिर बना, यू हैव टू पे। आप जब दुकान पे आते बोलते हैं मुझे जूता दो, तो आपको जूता दिखा देता है, पहले पहनाता है, पूरी सर्विस देगा आपको, पर बाद में वो बोलता है इतने का, आप डिस्काउंट करें बात अलग है, समझ आ रहा है? तो क्या पूछते हैं, भैया कितने का? इतने का। और जब आप परमेश्वर के पास, आपकी आपकी जो आशीष है वो 6 घंटे प्रेयर किया और आप 2 घंटे में उसको ले रहे हैं, कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आप ब्लेस कैसे हो गए, मैं कहता हूं प्रभु को लाइट मिले, प्रेयर में कमी हो तो ऐसा हो नहीं देता, मुझसे प्रभु बात नहीं करता, मैं प्रभु कहता प्रभु बताओ मुझे ना कि दो, समझ आ रहा है? प्रभु ये भी दो मुझे, वो भी दो मुझे, आशीष दो मुझे, बरकत मुझे, घर को कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बताओ मुझे कि कहां कमी है, तो मैं कहता हूं प्रभु कहां कमी है बताओ, फिर डील फिक्स, 6 घंटे प्रेयर, तेरी आशीष तेरे पास। हालेलुया, आपको बड़ी आशीष चाहिए, आपको बड़ी प्रार्थना करनी चाहिए, पे द प्राइस, पे द प्राइस, प्राइस प्राइस पे करो, वो डिवाइन हेल्पर खड़ेगा तक तुम्हारे लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक जन चाहता है कि मुझे पवित्र आत्मा मिले, हर एक जन चाहता है कि मुझे पवित्र आत्मा मिले, और वो पवित्र आत्मा खुदा का आत्मा है। ये मत कहे मैं पहली बार आया मुझे कैसे मिलेगा, अभी तेरे विश्वास, उसने कहा विश्वास कर मेरे वचन पे तो पवित्र आत्मा थे। हालेलुया, परमेश्वर ने इसीलिए दिया था ताकि हर एक मनुष्य को निरंतर पूरा तैयार करके वहां लेकर चले। परमेश्वर का मेरे घर में रहने के बहुत सारे संतान, बहुत सारे स्थान है, जहां मैं हूं वहां मेरे चेले भी रहेंगे, और हम अगर उसके चेले तो रहेंगे, लेकिन क्रिश्चियन को तो फिर नहीं रहेंगे। कहां कहा था जितने क्रिश्चियन होंगे वो रहेंगे स्वर्ग में मेरे साथ, उसने कहा जो मेरे चेले होंगे वो मेरे साथ रहेंगे, जितने क्रिश्चियन होंगे वो रहेंगे। लोग कहने के लिए कहते हैं हम क्रिश्चियन, क्रॉस डालने से हम क्रिश्चियन नहीं हो सकते, क्रिश्चियन होना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू बी ए क्रिश्चियन। तो मुझे नहीं कहना कि आई एम क्रिश्चियन, मैं जानता हूं क्रिश्चियन होना क्या है, बहुत मुश्किल है, इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह हम तेरे चेले हैं। अगर हमसे गलती होती तो हम माफी मांगते हैं, और हम सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, और एक दिन क्रिश्चियन हो जाएंगे। क्रिश्चियन का मतलब क्या पता है, वो क्राइस्ट यीशु मसीह हमारे अंदर, शराब तुम, गाली तुम, व्यभिचार तुम, फिर अंदर मेरा दिमाग खराब है या तुम सही कह रहे हो, या मैं पढ़ के जो बातें बता रहा हूं वो सही है, या तुम जो कह रहे हो वो सही है, वो एक शब्द में अपना एक शब्द एक पेज पूरा करता है। जब हम घंटे प्रार्थना करते हैं तो पूरी बाइबल पूरी कर देते हैं, समझ आ रहे? अन्य भाषा का एक शब्द बहुत ऊपर, एक शब्द जो आप अन्य भाषा बोलते, किसी मुल्क की भाषा बोले वो अन्य भाषा अलग है,
लेकिन जो तुम गैर भाषाओं में प्रार्थना करो, मैं सही कर, जो आपको पता नहीं, शैतान भी कहता है ओ ये क्या हो रहा है। आप जब अपने मुंह की बात बोलते हो अलग बात है, उसमें प्रार्थना अलग बात है, गैर भाषा में प्रार्थना करते शैतान भी कंफ्यूज हो क्या बोल रहा है। जब वो आप गैर भाषा में प्रार्थना होते हैं या ये भाषा एंजल बोलते हैं, ये इससे इससे पढ़ रहे हो, उस लड़की से पढ़ रहे हो, समझ आ रहा है। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाए आपकी गैर भाषा बोलने के लिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब तो गैर भाषा बढ़ नहीं रही, कैसे बढ़ेगी? जितना तुम्हें वचन बढ़ेगा उतनी तुम्हारी गैर भाषा बढ़ेगी। इसको जितना बढ़, जितना आप अपनी आत्मा को बढ़ाना चाहते हैं, कहते रोटी खाओ और एक्सरसाइज करो, देखो फिर कमाल है ना। प्रोटीन खाओ, जिम जाओ, बॉडी बनेगी। देखने से बॉडी नहीं बनती, मैंने पहले कहा था। आप एक सप्लीमेंट का डब्बा रखो, एक बॉडी सामान लेकर रखो, खाने से देखते रहो, आपकी बॉडी बनेगी। उसको खाने से, एक्सरसाइज करने से, ये वचन खाने से, प्रेयर में एक्सरसाइज करने से आप बचेंगे, अपनी आत्मा में एक्सरसाइज करने से आप ब्लेस होते हैं। आप सारे गुनाह को छोड़ के एक्सरसाइज करते ही आप सुना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड इज समथिंग स्पेशल टुडे। खुदा तुम सबको बरकत दे। सब मांगे मांगे अपने लिए, मांगे मांगे, मुंह खोल के मांगे परमेश्वर से, मांगे 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 परमेश्वर से, मांगो मांगो परमेश्वर से, मांगो परमेश्वर तुम्हें वो सब कुछ दे, सब कुछ दे, सब कुछ दे, सब कुछ दे, सब कुछ दे परमेश्वर आपको। कहो प्रार्थना से हम स्वर्ग छूते हैं परमेश्वर, और जो कुछ हमने मांगा वो पा चुके हैं। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको 1,00,000 कमाने में टाइम लगेगा शरीर में, पर आत्मा की कोई भी चीज आप मांगते हैं वो 1 मिनट में, 1 सेकंड में आपको मिलती है। आपको टाइम नहीं लगता, टाइम लगता, टाइम लगता, मैं सच कह रहा हूँ। क्योंकि दानियल से परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था, कहते तेरे मांगने से पहले तेरे तूने जो सोच विचार किया तेरी प्रार्थना सुन ली गई, सिर्फ तूने सोच विचार किया तेरी प्रार्थना सुन ली गई, बिल्कुल आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, और जो तुमने मांगा उस पर विश्वास रख, वो तेरी प्रार्थना पूरी हो चुकी। हालेलुया, आपके शरीर चंगे हो रहे। अब ये तो नहीं मैं कहूंगा कि डॉक्टर शोर डाल के नहीं करते काम, समझ आ रहे हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करते हो, उसको इंजेक्शन दे के बेहोश कर देते, एंजल्स आपको टच करने देते, प्रभु का आत्मा आपको छू रहे हैं, प्रभु के चेले आपको छू रहे हैं, पत्रस यूहन्ना सब छू रहे हैं इस वक्त। आपकी लाइफ चार बीमारी जा रही है इस वक्त, आप सोचेंगे कि मैं आपके पास आके आपको हाथ रख के प्रे करूंगा आप चलेंगे, कुछ नहीं ऐसा होने वाला। मैं जो बोल रहा हूँ उसे फॉलो करके देखो, तुम इसी वक्त चलोगे। हो मारी खोला मस्तारा पलचो इजी मो हों दाला बारा खो सिखारा का ब्राको जी बारा सिंदा ला बारा मो सिंदा इमा हम दो खुद बेटा बा सिखा ले ब्रो बच्चे प्लीज पीछे चले जाए, जितने बच्चे वाली औरतें बच्चे प्लीज पीछे चले जाए। आई एम गोइंग टू ब्लेस योर होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, सब अपना हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें। कितने होली स्पिरिट चाहिए? शमा मामा मारी काला बाकोसी आरा बाकोसी अप्रो को डिमाना सिंधा रा बाला को। आई एम गोइंग टू ट्रांसफर द होली स्पिरिट। यस आई एम।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जितने लोग हैं एक एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखिए, आप इनके कंधे पे हाथ रखिए, जो पीछे वाले आगे वाले पे हाथ रखिए, आगे वाले आप उनके उनके अच्छा हाथ रखिए। आई एम गोइंग टू ट्रांसफर द होली स्पिरिट तुम्हारी लमखुरा वाला सुंदरा वाला सुंदर मंगरी कला बसुरा बशिया। सब 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 एक दूसरे को पकड़ आगे खुली रखे, खुली रखे। नॉट डिस्ट्रक्शन,